Hey everyone, welcome back to the channel, The Alpha Banker. My name is Chirag Chopra. I'm currently working as Deputy Branch Manager in a public sector bank. Along with that, I've also cleared CAT 2016 with an overall percentile of 97.52. So guys, our today's topic is Pipe and Cisterns Part 2. That means in this part, हम कुछ करेंगे कुछ high level questions. That is कुछ mains level के questions. So I will highly suggest you कि अगर आपने अभी तक Part 1 नहीं देखा है, तो यही करें उस video को pause. और जाके देखें पहले पार्ट वन, बिकॉज हम वो सारे के सारे मेथड, सारे ट्रिक्स और सारे फॉर्मूलाज जो भी हमने सीखे हैं पार्ट वन में, वो सभी इंप्लीमेंट करेंगे इस पार्ट में. और उसी के साथ गाइस, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पे देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, जिससे आपको मिल सके द अल्फा बैंकर का हर वीडियो सबसे पहले. सो गाइज, आइए शुरू करते हैं पार्ट टू एंड लेट्स फॉल इन लव में पार्ट टू पाइप एंड सिस्टम्स. तो आइए देखते हैं कुछ मेंस लेवल क्वेश्चंस. क्वेश्चन वन, थ्री फिल पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल सेपरेटली अ सिस्टर्न इन 12, 16 एंड 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली. ए वाज ओपन्ड फर्स्ट, आफ्टर 2 मिनट्स बी वाज ओपन्ड, एंड आफ्टर 2 मिनट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बी सी वाज आल्सो ओपन्ड. फाइंड द टाइम व्हेन द सिस्टर्न विल बी फुल आफ्टर ओपनिंग ऑफ सी. सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास तीन पाइप्स हैं ए बी एंड सी. सबसे पहले हमने ए चालू करी, उसके 2 मिनट बाद हमने बी चालू करी, उसके 2 मिनट बाद हमने सी चालू करी. मतलब हम अगर टाइमलाइन देखें ए बी और सी का, तो सबसे पहले ए फिर बी फिर सी. मतलब अगर हम टाइमलाइन देखें तो ए स्टार्ट हुआ 0 टाइम से, यहाँ चालू हुआ बी और यहाँ चालू हुआ सी. मतलब अगर मैं ये लगाऊं तो ये है 0 टाइम, ये है 2 मिनट और ये है उसके बाद का 2 मिनट, मतलब 4 मिनट. मतलब ए चला टोटल टाइम, बी चला टोटल टाइम माइनस 2 मिनट और सी चला टोटल टाइम माइनस 4 मिनट. ठीक है, अब ए पाइप जो फिल करती है वो करती है 12 मिनट में टैंक, बी पाइप 16 मिनट में टैंक और सी पाइप 20 मिनट में. ठीक है, तो आइए लगाते हैं अपना मेथड नंबर 3. आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व. मेथड नंबर 3 में हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ ए बी सी और इनके सामने लिखेंगे इनका टाइम टेकन. अब लेंगे इन तीनों का एलसीएम. तो 12, 16 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 12, 16 और 20 का एलसीएम होगा 240. तो अगर आपको अभी तक एलसीएम्स में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप जाइए और देखिए नंबर सिस्टम्स का फर्स्ट वीडियो, जिसमें हमने डीपली डिस्कस करा है हाउ टू फाइंड एलसीएम्स. और इसी के साथ अगर आपको इस मेथड में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप देखिए टाइम एंड वर्क का वो वीडियो, जिसमें हमने सीखे थे तीन मेथड इस टाइप के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जिसका लिंक आपकी वीडियो के टॉप साइड पे यहाँ आएगा. तो इनका एलसीएम फाइंड करने के लिए देखिए हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया. हमारे पास टोटल वर्क आ गया 240 यूनिट्स. मतलब ए अगर 240 यूनिट काम 12 मिनट में कर रहा है, तो पर मिनट कितना काम करेगा? 240 बाय 12. और 240 बाय 12 कितना होता है? वो होता है 20. वहीं बी अगर 240 यूनिट काम 16 मिनट में कर रहा है, तो बी पर मिनट कितना काम करेगा? 240 अपॉन 16, दैट इज 15. और वहीं सी कितना काम करेगा? 240 अपॉन 20, दैट इज 12. अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले 2 मिनट अकेले चली है ए पाइप. तो पहले 2 मिनट अकेले ए पाइप चली, तो उसने कितना काम करा होगा? उसने काम करा होगा इंटू 2, दैट इज 40 यूनिट. उसके बाद अगले 2 मिनट ए और बी ने मिलके काम किया, तो इन दोनों ने मिलके कितना काम किया? इन दोनों ने मिलके काम किया 35. तो 2 मिनट में कितना काम करेंगे? 35 इंटू 2 इज इक्वल टू 70. मतलब पहले 4 मिनट में ए और बी ने मिलकर कितना काम करा? 40 प्लस 70. देखिए ए ने पहले 2 मिनट में कितना काम करा है? 40 यूनिट, प्लस ए और बी ने मिलकर कितना काम करा है 2 मिनट में? 35 इंटू 2, दैट इज 70 यूनिट. तो 70 प्लस 40 कितना हो गया? 110 यूनिट. ये दोनों ने मिलकर पहले 4 मिनट में काम कर लिया. अब टोटल काम कितना था? 240. तो कितना काम बचा? 240 माइनस 110, ये हो गया 130. अब क्वेश्चन में हमको गिवन है जो ये 130 यूनिट काम बचा है, ये ए बी और सी तीनों ने मिलके करा है. मतलब ए कितना काम करता है पर यूनिट? ए पर यूनिट काम करता है 20 यूनिट्स. वहीं बी कितना काम करता है? बी काम करता है 15 यूनिट. वहीं सी कितना काम करता है? सी काम करता है 12 यूनिट. मतलब इन तीनों का एडिट कितना हो गया? 20 प्लस 15 प्लस 12 कितना हो गया? 47. मतलब ये तीनों पर मिनट 47 यूनिट काम करते हैं. और इनको कितना काम करना है? इनको काम करना है 130 यूनिट. तो कितना टाइम लेंगे? ये लेंगे 130 अपॉन 47. और 130 अपॉन 47 कितना आता है? वो आता है 236 बाय 47. मतलब द आंसर इज ए. आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. टू टैप्स पी एंड क्यू कैन फिल अ सिस्टर्न ऑफ वॉल्यूम 432 लीटर्स इन 24 मिनट्स इफ देयर एफिशिएंसीज आर इन द रेशियो 4:5. फाइंड द टाइम दैट पी विल टेक अलोन टू फिल द सिस्टर्न. तो देखिए अगर आपने टाइम एंड वर्क की वीडियो जो अल्फा बैंकर पे ऑलरेडी अपलोडेड है वो देखी होगी, तो आपको एफिशिएंसीज में अब बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, बिकॉज हमने एफिशिएंसीज के बहुत सारे क्वेश्चंस वहां ऑलरेडी कर रखे हैं. तो अगर आपको कोई भी डाउट है एफिशिएंसीज फाइंड करने में, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले देखें वो टाइम एंड वर्क की वीडियो, बिकॉज उसके बाद आपको ये टॉपिक बहुत ही ईजी लगने लगेगा. देखिए क्वेश्चन में हमको गिवन है कि वो दोनों मिलके 432 लीटर पानी भरते हैं. कितनी देर में भरते हैं? वो दोनों भरते हैं 24 मिनट में. तो पर मिनट वो दोनों कितना भर पाएंगे साथ में? पर मिनट वो दोनों भरेंगे 18 यूनिट. अब हमारे पास ये गिवन है कि पर मिनट वो दोनों कितना काम करते हैं, हमें उन दोनों की एफिशिएंसीज गिवन है. तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना इजी है.
देखिए एफिशिएंसीज का मतलब होता है कि वो दोनों मिलके इस काम को एक दूसरे में किस लेवल पे बांटते हैं, मतलब किस रेशियो में बांटते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा रेशियो गिवन है 4:5, मतलब उन्होंने इस 18 यूनिट पर मिनट काम को 4:5 रेशियो में बांटा। तो रेशियो को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिखिए, देखिए हमको ये गिवन है P:Q = 4:5, तो पी एंड क्यू की कितनी वैल्यू आएगी, पी की वैल्यू आएगी 4:4+5, वहीं क्यू की वैल्यू आएगी 5:4+5। अब 4+5 कितना होता है, 4+5 होता है 9, मतलब पी की वैल्यू कितनी हो गई, पी की वैल्यू हो गई 4/9, और क्यू की कितनी हो गई, क्यू की हो गई 5/9। मतलब हमको टोटल वर्क गिवन है 18 यूनिट, उसमें से 4/9 टाइम्स ऑफ ये करेगा पी और बाकी बचा हुआ 5/9 टाइम्स करेगा क्यू। तो आइए निकालते हैं पी और क्यू का पर मिनट वर्क। देखिए हमें टोटल वर्क गिवन है 18, पी इस काम का करेगा 4/9 काम, तो 4/9 ऑफ 18 कितना होगा, 4/9 × 18 करेंगे, ये 9 काटेगा इसको 2, तो ये जाएगा 8। वहीं Q का फाइंड करेंगे 5/9 × 18, फिर से ये काटेगा इसको 2, 5 × 2 कितना होता है 10। मतलब पर मिनट P काम करता है 8 यूनिट, Q काम करता है 10 यूनिट। और क्वेश्चन में हमको पूछा है कि P अकेले इस टैंक को कितनी देर में फिल कर पाएगा, तो टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है 432, तो यहां लिखेंगे 432। पी कितना काम करता है पर मिनट, पी काम करता है 8 यूनिट, यहाँ देखिए हमने फाइंड करा है 8 यूनिट, तो यहाँ करेंगे 8, तो डिवाइड करेंगे 432/8 कितना होगा, ये होगा 54। तो मतलब आंसर हमारा है बॉम्बे, दैट इज 54। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, एन इनलेट पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट, एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 20 मिनट, बीनीथ स्टार्ट्स द इनलेट पाइप एट 3 PM, एट 3:05 PM द आउटलेट पाइप इज ओपनड एक्सीडेंटली बाय बीनीथ, ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक आफ्टर 8 मिनट्स एंड टर्न्स ऑफ द आउटलेट पाइप, एट व्हाट टाइम विल द टैंक बी कंप्लीटली फिल्ड। तो इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि इनलेट पाइप जो टैंक फिल करती है 12 मिनट में, एक आउटलेट पाइप जो टैंक खाली करती है 20 मिनट में, वहीं एक पर्सन है बीनीथ जो इनलेट पाइप को चालू करता है 3 बजे, पर 5 मिनट के बाद, दैट इज 3:05 में उसमें गलती से चालू हो जाती है आउटलेट पाइप भी। जब भी हमको ऐसा कोई क्वेश्चन गिवन होता है तो हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं सबसे पहले अपना मेथड नंबर 3। तो आइए चेक करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं इनलेट पाइप, यहां लिखते हैं आउटलेट पाइप, इनके आगे लिखते हैं इनका टाइम टेकन। अब 12 और 20 का एलसीएम कितना होता है, ये होता है 60, तो टोटल हमारे पास काम आ गया 60 यूनिट्स। अब 60 यूनिट काम करने के लिए इनलेट पाइप अगर लेती है 12 मिनट, तो पर मिनट कितना काम करेगी, 60/12 वो आ गया 5। वहीं एक पाइप है जो 60 यूनिट काम करने के लिए 20 मिनट लेती है, तो ये पाइप कितना काम करेगी पर यूनिट, 60/20 दैट इज 3 यूनिट। पर इसके आगे हम लगाएंगे माइनस, क्योंकि ये कर रही है पाइप नेगेटिव वर्क। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क की वीडियो से याद होगा। तो ये दोनों मिलके मतलब पर मिनट कितना काम करेंगे, 5-3 दैट इज 2 यूनिट काम ये दोनों मिलके करेंगे। अब क्वेश्चन में हमको गिवन है कि पहले 5 मिनट मतलब एक्सीडेंटली आउटलेट पाइप चालू होने से पहले अकेले इनलेट पाइप ने काम किया है, मतलब इनलेट पाइप पहले 5 मिनट में टोटल कितना काम करेगी, 5 × 5 दैट इज 25 यूनिट काम कर चुकी है इनलेट पाइप। और इसके बाद आगे का क्वेश्चन है कि ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक आफ्टर 8 मिनट्स, मतलब 8 मिनट के बाद उसको पता चलता है कि उससे गलती से आउटलेट पाइप चालू हो गई है, तो वो उस पाइप को बंद कर देता है, मतलब आउटलेट पाइप 8 मिनट के बाद बंद हो जाती है। इसका मतलब अगले 8 मिनट इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप ने मिलकर काम किया, मतलब अगले 8 मिनट के लिए वो दोनों चल रहे थे, तो दोनों पर मिनट कितना काम कर रहे हैं, 2 यूनिट। तो 8 मिनट में कितना काम करेंगे, × 8 दैट इज 16 यूनिट। मतलब इन दोनों ने 5 मिनट + 8 मिनट में टोटल कितना काम कर लिया, 25 + 16 ये कितना होता है 41, ठीक है। और टोटल हमारे पास काम कितना है 60 यूनिट, उसमें से ऑलरेडी ये दोनों कितना काम कर चुके हैं 41 यूनिट, तो कितना काम बचा 19 यूनिट। मतलब अब ये 19 यूनिट काम इनलेट पाइप को अकेले अपने आप करना है, तो इनलेट पाइप 19 यूनिट काम कितनी देर में कर पाएगी, ऊपर लिखेंगे 19, और टोटल टाइम कितना लेती है इनलेट पाइप, पर मिनट काम करती है 5 यूनिट, तो 19/5 कितना होगा, देखिए 5 × 3 होता है 15 और 5 × 4 होता है 20, मतलब का आंसर 3 और 4 के बीच में होगा। देखिए और ये 15 से 4 बड़ा है, तो हम लगाएंगे 0.8, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 3.8, ठीक है। इसका मतलब इसको टोटल टाइम कितना लगा, इसको टोटल टाइम लगा 5 जो पहले अकेले इनलेट पाइप ने काम किया, प्लस 8 जो उन दोनों ने मिलकर काम किया था, टोटल 8 मिनट प्लस 3.8 जो अकेले इनलेट पाइप ने आखिरी का काम किया, तो टोटल कितना हो गया 5+8 होता है 13 प्लस 3.8 होता है 16.8। और अब हमें इस 0.8 मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू करेंगे 60 से, तो कितना आंसर आ जाएगा 48। तो मतलब टोटल आंसर कितना हो गया 16:48, तो इसका आंसर कितना है 3:16:48, आंसर इज दिल्ली। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4, 3 टैप्स पी क्यू एंड आर कैन फिल अ टैंक इन 10, 20 and 30 hours रिस्पेक्टिवली, if p is open all the time and q and r are open for 1 hour each alternatively, then the tank will be full in। मतलब क्वेश्चन हमको बोल रहा है तीन हमारे पास पाइप्स हैं p q r,
जो टैंक को फिल करती है 10, 20 और 30 घंटे में, जो पाइप पी है वो टोटल टाइम के लिए ओपन रहती है, वहीं पाइप क्यू और आर अल्टरनेटिवली ओपन होती है, जैसे पहले आर के लिए ओपन होगी क्यू, फिर अगले आर, फिर क्यू, फिर आर। तो ऐसा क्वेश्चन है तो हम क्या लगाएंगे, अपना सबसे पहले लगाएंगे हम मेथड 3, उसके लिए हम लिखेंगे अपने तीनों पाइप्स का नाम। अब जैसे कि आपको पता है तो हम फाइंड करेंगे इन तीनों का एलसीएम, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आता है, इन तीनों का एलसीएम आएगा 60, इसका मतलब इन तीनों को काम करना है 60 यूनिट, तो पी को काम करना है 60 यूनिट 10 आवर्स में, तो कितना काम करेगी 60/10 दैट इज 6 यूनिट पर आवर। वहीं क्यू को काम करना है 60 यूनिट 20 घंटे में, तो कितना काम करेगी 60/20 दैट इज 3। वहीं आर को काम करना है 60 यूनिट 30 घंटे में, तो कितना काम करेगी 60/30 दैट इज 2 यूनिट। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि पी चलता है टोटल टाइम, वहीं क्यू और आर चलते हैं अल्टरनेट, मतलब एक घंटे क्यू चलेगा एक घंटे आर चलेगा, तो फर्स्ट आर चलेगा पी और क्यू, तो पी और क्यू मिलकर टोटल कितना काम कर पाएंगे 6+3=9 यूनिट्स। वहीं अगले घंटे चलेगा पी और आर, तो पी और आर मिलकर कितना काम कर पाएंगे 6+2 दैट इज 8 यूनिट, मतलब पहले घंटे में अगर पी और क्यू काम करेंगे तो वो दोनों मिलकर करेंगे 9 यूनिट, वहीं अगले घंटे में पी और आर मिलकर कितना काम करेंगे 8 यूनिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको कैसे मिलेगा, पहले आर कितना काम हो रहा है 9, अगले आर कितना काम हो रहा है 8, फिर अगले आर कितना काम हो रहा है 9, फिर नेक्स्ट आर हो रहा है 8, फिर नेक्स्ट आर हो रहा है 9। तो देखिए चल रही है एक सीरीज, यहाँ हो गया 9+8+9+8+9+8, ऐसा चलता रहेगा जब तक हमारा आंसर आ जाए 60, मतलब ये पहले 2 मिनट में इसने काम कर लिया है 17, तो अगले 2 मिनट में भी काम कितना करेगा 17, मतलब अगले 2 मिनट में भी काम कितना करेगा ये 17, तो 17+17+17 मतलब 17 into 3 कितना काम होता है, वो होता है 51, मतलब 51 यूनिट काम कर लिया इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिनट में। अब कितना काम बचा है, काम बचा है इनका 9 यूनिट, मतलब टोटल काम कितना बचा है 9 यूनिट, और पहले काम कौन कर रहा है P प्लस Q, ये दोनों मिलके कितना काम करते हैं 6+3 दैट इज 9 यूनिट, मतलब अगले मिनट में ये दोनों पूरा काम खत्म कर लेंगे, तो मतलब टोटल टाइम कितना लगेगा 9+8 वाले 3 सेक्शन, मतलब इसने टोटल वर्क कितना कर लिया 51 यूनिट, वहीं जो 9 यूनिट काम बचा था तो वो P और Q मिलके अगले मिनट कर लेंगे, मतलब टोटल टाइम कितना लगा 1 मिनट 2 3 4 5 6 प्लस 1 मिनट और पी एन क्यू वाला प्लस 9 और, मतलब टोटल 7 आवर्स में ये काम खत्म हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स एंड 25 आवर्स रिस्पेक्टिवली, while a third pipe C can empty 70% of the tank in 21 hours. All the three pipes are opened. After 12 hours, C is closed. Find the time in which the tank will be full. देखिए क्वेश्चन में हमको गिवन है कि तीन पाइप है, उनमें से दो है इनलेट पाइप ए और बी, और वहीं एक आउटलेट पाइप जो कि जिसका नाम है सी। इनलेट पाइप फिल करती है टैंक को 20 घंटे और 25 मिनट में, वहीं आउटलेट पाइप एम्प्टी करती है 70% ऑफ द टैंक इन 21 मिनट्स। मतलब किसी भी चीज का अगर 70% 21 है तो उसका 100% कितना होगा, 100% होगा उसका, यहाँ लगाएंगे हम यूनिटरी मेथड, 100% कितना होगा 21/70% × 100%, तो यहाँ इसको काटेंगे इससे 7 होता है, ये जाएगा 3 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा इसको 30 आवर्स। ओके, मतलब ए और बी के हमको गिवन है 20 आवर्स और 25 आवर्स, वहीं सी काम करेगा टोटल 30 आवर्स। अब इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे अपना मेथड नंबर 3, यहां हम लिखेंगे ए बी सी, इनके सामने हम लिखेंगे इनका टाइम टेकन, अब हमको लेना है इन तीनों का एलसीएम, तो 20, 25 और 30 का एलसीएम कितना होता है, इन तीनों का एलसीएम होता है 300, मतलब इन तीनों को मिलके करना है 300 यूनिट्स काम। अगर ए अकेले 300 यूनिट्स काम करेगा 20 आवर्स में, तो पर आवर कितना काम करेगा, पर आवर करेगा 300/20 दैट इज 15 यूनिट काम। वहीं बी को 300 यूनिट काम करना है 25 घंटे में, तो पर आवर कितना काम करेगा, वो करेगा 12 यूनिट काम। वहीं सी को काम करना है 300 यूनिट 30 घंटे में, तो पर यूनिट कितना करेगा 300/30 दैट इज 10 यूनिट काम। और इसके सी के आगे हम लगाएंगे माइनस, दैट इज ये कर रहा है नेगेटिव वर्क। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क की वीडियो से समझ आ गया हो। ठीक है, अभी क्वेश्चन में हमको गिवन है कि तीनों पाइप एक साथ चलाते हैं पर 12 घंटे के बाद वो सी पाइप को बंद कर देते हैं, तो कितने टाइम में ये टैंक भरेगा, मतलब 12 घंटे के लिए तीनों पाइप एक साथ चलती हैं तो कितना काम करेंगे, 15+12 होता है 27 तो टोटल कितना काम कर रहे हैं 15+12 - 10 तो 15+12 होता है 27 माइनस करेंगे 10 बिकॉज सी कर रहा है नेगेटिव वर्क, तो ये आ जाएगा टोटल काम 17 यूनिट काम कर रहे हैं। अभी टोटल काम कर रहे हैं 17 यूनिट पर आर, तो 12 घंटे में कितना काम कर पाएंगे, यहाँ करेंगे इनटू 12, ये आ जाएगा 204, मतलब इन तीनों ने मिलकर 204 यूनिट काम कर लिया 12 घंटे में। और टोटल काम कितना रिमेनिंग बचेगा इसके बाद बचेगा 300 - 204 दैट इज 96 यूनिट काम अभी इन दोनों को मिलके अभी और करना पड़ेगा। सी बंद हो गई तो अकेले ए और बी काम करेंगे, तो ए और बी पर मिनट मिलके कितना काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं 27 यूनिट्स, तो अब हमको काम करना है टोटल 96 यूनिट, हम पर आर काम करते हैं 27 यूनिट्स, तो हमको कितना टाइम लगेगा, हमको टाइम लगेगा 96/27, हम इसको 3 से कट करेंगे तो ये जाएगा 9, ये जाएगा 32, तो ये कितना आ गया 32/9, तो टोटल हमारे पास टाइम आ गया 32/9, और 32/9 को क्या मैं लिख सकता हूँ 27+5/9, ठीक है, इसमें 27/9 कितना हो जाएगा 3, बाकी कितना बचेगा +5/9, तो आंसर कितना होगा हमारा, पहले लगे हमारे 12 आर प्लस 5/9 आर,
मतलब 12 प्लस 3 कितना हो गया 15 आवर्स और प्लस 5 बाय 9 आवर्स मतलब आंसर कितना हो गया 15 5 बाय 9 आवर आंसर इज दिल्ली. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 6. क्वेश्चन इज 3 पाइप्स एक्स वाई जेड कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 3 आवर्स जेड इज क्लोज्ड and x and y can fill the tank in 14 hours. In how much time will z alone can fill the tank? तो देखिए ये है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बिकॉज इस क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क के साथ साथ हम यूज करेंगे अब परसेंटेजेस का. तो आइए चेक करें कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि तीन पाइप्स हैं जो काम करती हैं पूरा 10 घंटे में. अब वो तीनों पाइप साथ में चली 3 घंटे के लिए, उसके बाद उन्होंने एक पाइप को कर दिया बंद और बाकी दो बची पाइप्स ने काम करा बचा हुआ 14 आवर्स में खत्म. तो वो जो थर्ड पाइप है जिसको हमने बंद करा था दैट इज पाइप जेड, वो अकेले उस टैंक को कितनी देर में फिल कर पाएगा. देखिए क्वेश्चन में हमको यहाँ यूज करना है परसेंटेजेस का. अब आइए देखिए कितना ब्यूटीफुली परसेंटेजेस का यूज होगा इस क्वेश्चन. देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि वो तीनों मिलकर इस काम को खत्म करते हैं 10 आवर्स में. वहीं इन तीनों ने मिलकर कितनी देर काम किया साथ में, इन तीनों ने मिलकर काम किया साथ में 3 घंटे. मतलब टोटल काम खत्म करते थे 10 घंटे में और काम इन्होंने साथ में करा बस 3 घंटा. तो इन तीनों ने कितना काम खत्म कर लिया होगा, तो इन तीनों ने काम खत्म कर लिया होगा भाई टोटल काम खत्म करते थे ये लोग 10 घंटे में. तो 3 घंटे में ये लोग कितना काम खत्म करेंगे, 3 घंटे में ये लोग काम करेंगे 3/10 × 100 दैट इज 30%. मतलब 30% काम ये तीनों ने मिलकर पहले 3 घंटे में खत्म कर दिया. तो बचा हुआ काम कितना हुआ, बचा हुआ काम हुआ 70%. ओके अब 70% काम पहली दो पाइप्स मिलकर कितनी देर में कर रही है, क्या कि मैंने क्वेश्चन में कि मैंने 14 आवर्स, मतलब 14 आवर्स में पहली दो पाइप मिलकर काम खत्म कर रही है. अब 70% काम खत्म करने के लिए किसी को लग रहा है 14 आवर्स, तो 100% काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा उसको. तो यहाँ हम लगाएंगे अपना यूनिटरी मेथड, तो 100% में कितना टाइम लगेगा 14/70 × 100. ओके यहाँ हम जीरो से करेंगे जीरो कट, ये जाएगा इससे 2 टाइम्स, मतलब टोटल टाइम कितना लगेगा इनको 2 × 10 दैट इज 20 मिनट्स. मतलब पहली दो पाइप्स अगर अकेले काम करते तो उन दोनों को 20 मिनट्स लगते इस टैंक को फुल करने में. वहीं क्वेश्चन में हमको गिवन है कि अगर ये तीनों पाइप एक साथ काम करती हैं तो इनको लगते हैं 10 आवर्स, मतलब 10 घंटे. तो देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया. अब हमको क्या गिवन है कि पहली दो पाइप्स अगर मिलके काम करेंगी तो ये काम करेंगी 20 घंटे में और पहली तीनों पाइप्स मिलके काम करती हैं 10 घंटे में. तो हमको पता है जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट करते हैं अपना मेथड नंबर 3. तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट टाइम टेकन, यहाँ हम लिखेंगे सेकंड टाइम टेकन. अब हम लेंगे इन दोनों का एलसीएम, 10 और 20 का एलसीएम होता है 20. मतलब हमारे पास टोटल 20 यूनिट्स काम है जो ये तीनों पाइप मिलकर 10 घंटे में करती थी. तो पर घंटा कितना करेंगे 20/10 दैट इज 2. वहीं 20 यूनिट काम पहली दो पाइप 20 घंटे में कर रही थी, तो पर आवर कितना काम करेंगे 20/20 दैट इज 1. मतलब वो तीनों पाइप मिलकर पर मिनट काम करती थी 2 यूनिट और पहली दो पाइप मिलकर काम करती है 1 यूनिट. तो मतलब इनका डिफरेंस कितना हुआ 1 यूनिट. इनको अगर माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 यूनिट. और ये बचा हुआ 1 यूनिट काम खत्म करेगी वो अकेली थर्ड पाइप. मतलब हमारे पास जेड का वर्क डन कितना आ गया, जेड काम कितना करेगा 1 यूनिट पर मिनट. ठीक है और हमारे पास टोटल काम कितना है, टोटल काम है हमारे पास 20 यूनिट. तो टोटल भाई 20 यूनिट टोटल काम है और 1 यूनिट हम पर मिनट कर रहे हैं, तो हमें कितना टाइम लगेगा, हमको टाइम लगेगा 20 घंटा. ठीक है तो आंसर इज 20 आवर्स. आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन 7. पी इज 5/4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज क्यू. पी कैन फिल 3/5 ऑफ द टैंक इन 15 मिनट्स. व्हाट कैपेसिटी ऑफ द टैंक वुड रिमेन इनकम्प्लीट इफ बी अलोन फिल्स द टैंक फॉर 10 मिनट्स. देखिए इस क्वेश्चन में हमारा फिर से यूज हो रहा है एफिशिएंसी का, जो हमने टाइम एंड वर्क में बहुत ही लेंथ पे डिस्कस करा था और हमने इस वीडियो में भी एफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. तो अगर आपको एफिशिएंसी में अभी भी कुछ भी डाउट रह गया है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले जाके देखें टाइम एंड वर्क की वो वीडियो जिसमें हमने बहुत ही डिटेल के साथ एफिशिएंसी पे काम किया. देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि पी से 5/4 टाइम ज्यादा एफिशिएंट है क्यू, वहीं पी 3/5 ऑफ द टैंक फिल करता है 15 मिनट में. तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कितना टैंक खाली रह जाएगा अगर क्यू पाइप अकेले 10 मिनट के लिए चला दी जाए. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें. क्वेश्चन में हमको गिवन है कि पी पाइप 3/5 ऑफ द टैंक कितनी देर में भरेगा, वो 15 मिनट में. तो टोटल टैंक कितनी देर में भरेगा, यहाँ हम करेंगे इसको डिवाइड, ये जाएगा 5. तो टोटल टैंक कितना आ जाएगा, टोटल टैंक आ जाएगा 5 × 5. टोटल टैंक पी भरेगा अकेले 25 मिनट में. ठीक है और क्यू है पी से 5/4 टाइम ज्यादा एफिशिएंट. अब अगर हम टोटल वर्क टू बी डन मान ले 100 यूनिट्स, मतलब इस टैंक की कैपेसिटी हम मान ले 100 यूनिट्स. अब अगर पी इस टैंक को भरता है 25 मिनट में और टोटल टैंक की कैपेसिटी है 100 यूनिट, तो पी पर मिनट काम कर रहा है 100/25 दैट इज 4 यूनिट. मतलब अगर हमने 100 यूनिट कैपेसिटी मान ली उस टैंक की तो पी पर मिनट काम कर रहा है 4 यूनिट. ठीक है अब हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमको गिवन है कि Q 5/4 टाइम ज्यादा एफिशिएंट है P से. तो भाई P काम करता है 4 यूनिट पर, Q हमको दिया है तो 5/4 टाइम्स ऑफ P मतलब 5/4 × 4. तो Q पर मिनट कितना काम करेगा, Q पर मिनट काम करेगा 5 यूनिट्स. और टोटल कैपेसिटी कितनी है उस टैंक की, टोटल कैपेसिटी हमने माना है 100 यूनिट्स.
इसको हम कुछ भी लेट कर सकते थे, हमने 100 यूनिट्स अपने सेक के लिए लेट करा है, जिससे ये क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो भाई, क्यू पर मिनट काम कर रहा है, 5 यूनिट काम करना है उसको 10 मिनट, तो 10 मिनट में कितना काम करेगा, 10 मिनट में काम करेगा इनटू 10, दैट इज 50 यूनिट। मतलब क्यू ने 10 मिनट में 50 यूनिट काम कर लिया, टोटल काम करना है 100 यूनिट, तो कितना काम बचेगा, काम बचेगा 50/100। 50/100 कितना होता है, अगर सीधा देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, मतलब आंसर इज दिल्ली 1/2। ठीक है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहाँ हमारे अब आ गए हैं क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 टाइप के क्वेश्चन, दैट इज कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन, जिसकी हमने बात करी थी इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी। आइए चेक करते हैं क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें सॉल्व, क्या है इनका इजी मेथड, क्या है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शॉर्टकट ट्रिक, और इसी के साथ आप कैसे मार्क करें इनका आंसर सबसे जल्दी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा दी होती है दो क्वांटिटी, दैट इज क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2, और अब हमको फाइंड करना है क्वांटिटी 1 का आंसर और क्वांटिटी 2 का आंसर, और इसके बाद हमको मार्क करना है इनमें से आंसर की क्वांटिटी 1 2 से बड़ी है या छोटी है या बराबर है, कोई रिलेशन नहीं है, इनमें से हमको आंसर एक मार्क करना है। अब क्वांटिटी 1 का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, टू पाइप्स पी एंड क्यू कैन फिल द टैंक इन 20 एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, and pipe R can empty the tank in 60 minutes. All the pipes are open together. In how much time will the tank be filled? मतलब हमको क्या given है? दो pipes P and Q जो काम करती हैं 20 minutes और 30 minutes में, और वहीं एक pipe है R जो इस tank को खाली करती है 60 minutes में। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ पे सीधा लगाएंगे अपना method number 3। अब तो हम यहाँ लिखेंगे अपने तीनों pipes का नाम और उनके सामने लिखेंगे उनका time taken। अब हम लेंगे इन तीनों का LCM जो हम लेते आ रहे हैं, तो 20, 30 और 60 का LCM होता है 60। मतलब इन तीनों को काम करना है 60 यूनिट, तो अगर P को काम करना है 60 यूनिट 20 मिनट में, तो पर मिनट कितना काम करेगा 60/20, दैट इज 3 यूनिट। वहीं Q को काम करना है 60 यूनिट 30 मिनट में, तो Q कितना काम करेगा 60/30, दैट इज 2 यूनिट। R को काम करना है 60 यूनिट 60 मिनट में, तो कितना काम करेगा 1 यूनिट, और R के आगे हम लगाएंगे माइनस क्योंकि R करता है नेगेटिव वर्क। अब ये तीनों मिलके कितना काम करेंगे, 3+2-1, तो 3+2 होता है 5-1 होता है 4, मतलब ये तीनों मिलके काम करेंगे 4 यूनिट का पर मिनट, और टोटल काम कितना करना है इनको 60 यूनिट, तो टोटल टाइम इनको कितना लगेगा, टोटल टाइम लगेगा इनको 60/4, दैट इज 15 मिनट्स। मतलब हमारा क्वांटिटी 1 का आंसर आ गया 15 मिनट, और वहीं हमारा क्वांटिटी 2 क्या गिवन है, हमारा क्वांटिटी 2 में गिवन है 18 मिनट। तो हमें इससे क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 1 से बड़ा है, तो हम क्या आंसर मार्क करेंगे, इस पे हम आंसर मार्क करेंगे आंसर बॉम्बे, दैट इज आंसर बी, क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 9, टू टैप्स ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 10 एंड 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, व्हाइल टैप सी कैन एम्प्टी इट इन 20 मिनट्स। अब क्वांटिटी 1 का स्टेटमेंट है हमारा टाइम इन विच ए एंड बी टुगेदर विल फिल द टैंक, और क्वांटिटी 2 का स्टेटमेंट है टाइम इन विच सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक। देखिए अब क्वांटिटीज का क्वेश्चन है, तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको सीधे सीधे इनका आंसर फाइंड करना है कि क्वांटिटी 1 बड़ा है या 2 बड़ा है। अब इस क्वेश्चन का अगर स्टेटमेंट देखें, तो इसको पढ़ते ही हमको समझ आ गया कि हमको यहाँ लगाना है मेथड नंबर 3, दैट इज हम यहाँ लिखेंगे ए बी सी और उनके सामने लिखेंगे उनका टाइम टेकन। अब हमको लेना है इन तीनों का एलसीएम, और 10, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, इसका मतलब 60 यूनिट काम करना है इन तीनों को, तो अगर 60 यूनिट काम ए करता है 10 मिनट में, तो कितना काम करेगा पर मिनट, 60/10, दैट इज 6 यूनिट। वहीं बी को काम करना है 60 यूनिट 15 मिनट में, तो बी काम करेगा 60/15, दैट इज 4 यूनिट। और सी को काम करना है 60 यूनिट 20 मिनट में, तो सी कितना काम करेगा 60/20, दैट इज 3 यूनिट। अब सी के आगे हम लगाएंगे माइनस बिकॉज सी इज डूइंग नेगेटिव वर्क। अब हमको क्वांटिटी 1 का स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है टाइम इन विच ए एंड बी टुगेदर विल फिल द टैंक। देखिए ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, ए और बी मिलकर काम करते हैं 6+4, दैट इज 10 यूनिट काम, और टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60। तो क्वांटिटी 1 हमारी क्या पूछ रही है कि टोटल काम है भाई 60 यूनिट, और काम कर रहे हैं दोनों मिलकर पर मिनट 10 यूनिट, तो इनको कितना टाइम लगेगा, इनको लगेगा भाई 60/10, दैट इज 6 मिनट। वहीं क्वांटिटी 2 हमसे क्या पूछ रही है, क्वांटिटी 2 हमसे पूछ रही है कि ये सी कितनी देर में खाली करेगा इस टैंक को, भाई टोटल काम कितना है 60 यूनिट, और सी पर मिनट कितना टैंक खाली करता है, वो करता है 3 यूनिट खाली, तो कितना काम करेगा भाई, 60/3 कितना होता है, वो होता है 20। तो यहाँ पे देख के आपको क्या समझ आया, यहाँ हमको देख के समझ आया भाई क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से छोटी है, तो मतलब हम डायरेक्टली आंसर क्या मार्क करेंगे, आंसर हम मार्क करेंगे बॉम्बे, और जल्दी से बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर्स एंड 20 आवर्स इंडिविजुअली, अ ड्रेन पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 24 आवर्स, ए एंड बी आर ओपन फॉर 4 आवर्स एंड क्लोज एंड देन पाइप सी इज ओपन, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी एम्प्टीड। मतलब हमारे पास दो पाइप है ए और बी जो काम करती है 16 घंटे में और 20 घंटे में, वही एक एम्प्टी करने वाली पाइप है सी जो इस टैंक को खाली करती है 24 घंटे में। तो इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि पहले 4 घंटे ए और बी अकेले काम करते हैं और उसके बाद बंद कर दिए जाते हैं और उसके बाद ओपन करी जाती है पाइप सी, तो ये टैंक पूरी तरह से कितनी देर में खाली हो जाएगा। मतलब ए और बी उस टैंक को जितना 4 घंटे में भरेंगे, सी उस टैंक को कितनी देर में और खाली कर पाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, अभी क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें समझ आ गया कि वी हैव टू अप्लाई मेथड नंबर 3, दैट इज वी हैव टू यूज ए बी सी और उसके सामने हम लिखेंगे टाइम टेकन।
इनका एलसीएम आता है 240। अब मतलब 240 यूनिट काम करना है इन तीनों को, तो अब अगर एक और 240 यूनिट काम करना है 16 मिनट में, तो वो पर मिनट कितना काम कर पाएगा? वो पर मिनट काम कर पाएगा 15 यूनिट। वहीं बी को काम करना है 240 यूनिट 20 मिनट में, तो वो काम कितना कर पाएगा? 240 अपॉन 20 दैट इज 12 यूनिट। और सी कितना करेगा? 240 अपॉन 24 दैट इज 10 यूनिट। और सी के आगे हम लगाएंगे माइनस, बिकॉज सी इज डूइंग नेगेटिव वर्क। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए और बी काम करते हैं मिलकर 4 घंटे, तो ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे? 15 प्लस 12 होता है 27। तो मतलब ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं 27 यूनिट पर आर। और इन्होंने कितने घंटे साथ में काम किया? इन्होंने काम किया इंटू 4, तो इसको करेंगे इंटू 4, बिकॉज इन्होंने 4 आर साथ में काम किया, तो टोटल काम कितना करा इन्होंने? टोटल काम करा इन्होंने 108 यूनिट। इसका मतलब 108 यूनिट इन दोनों ने मिलके पानी भर दिया। अब कर दिया गया इन दोनों को बंद, और अब ओपन करिए टैप सी, जिसको अब 108 यूनिट पानी खाली करना है उस टैंक में से। भाई सी को कितना टाइम लगेगा? सी पर आर खाली करता है 10 यूनिट पानी, और सी को खाली करना है 108 यूनिट पानी, तो कितना टाइम लेगा टोटल? भाई सी लेगा 108 खाली करने में, 108 अपॉन यूज करेंगे 10, टोटल कितना आ जाएगा? 108 अपॉन 10 हो जाएगा 10.8। तो क्वांटिटी 1 हमारा कितना आ गया? क्वांटिटी 1 हमारा आ गया 10.8। तो यहाँ हम अगर लिखें तो क्वांटिटी 1 है हमारा 10.8, और क्वांटिटी 2 कितना है? वो है 11.80। तो ये देखिए हमको क्या समझ आ रहा है, ये देखिए हमको समझ आ रहा है दैट क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। तो हम डायरेक्टली आंसर मार्क करेंगे बॉम्बे और बढ़ेंगे आगे। सो गाइज, आई होप आपको कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस का कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ मिला होगा। इसी के साथ पाइप एंड सिस्टम्स के आपको हर टाइप के क्वेश्चन हाई लेवल से लेके लो लेवल तक, प्री लेवल से लेके मेंस लेवल तक हर टाइप के क्वेश्चंस कवर भी हो गए होंगे। सो गाइज, आई होप इस सेशन के बाद आपको टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम्स के किसी भी टाइप के किसी भी लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से बिल्कुल डर नहीं लगेगा, और उसी के साथ क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 टाइप के क्वेश्चंस को भी आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो गाइज, देयर आर 5 सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर योर इंडिपेंडेंट पर्सनल प्रैक्टिस। तो आप करिए इनको सॉल्व, लीजिए इनका स्क्रीनशॉट, और अगर आपको आती है इनमें कोई भी प्रॉब्लम नीचे करिए कमेंट, उसके बाद हम करेंगे इनको सॉल्व। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप में आपको इनमें से किसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे करिए कमेंट, देन वी विल डिस्कस फर्दर। हे एवरीवन, आई होप आप सबको पाइप एंड सिस्टम्स का पार्ट 2 पसंद आया होगा। इसमें आपने कुछ सीखे होंगे हाई लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक। इसी के साथ मेंस एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 टाइप के क्वेश्चंस, और उसी के साथ उनको कैसे करना है टारगेट। आई होप आपने ये सब इस वीडियो में सीखा होगा। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड ऑल्सो अगर आप नए हैं इस चैनल पे देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल, जिससे आपको द अल्फा बैंक का चैनल का हर वीडियो मिल सके सबसे पहले। गाइज, द अल्फा बैंक का चैनल बनाने का पर्पज बस एक ही है कि जिससे हर उस बच्चे को जो भी है अनगाइडेड या अंडर गाइडेड, उनको मिल सके सही गाइडेंस और उसी के साथ प्रॉपर नॉलेज। सो गाइज, आई अर्ज एवरी वन ऑफ यू टू शेयर दिस चैनल एज मच एज यू कैन, जिससे ये चैनल का हर वीडियो पहुंच सके इंडिया के हर एक कोने में, हर उस बच्चे के पास जिसको इसके एक भी वीडियो से मदद मिल सकती है, सो दैट द अल्फा बैंकर अपना पर्पस फुलफिल कर पाए। सो गाइज, सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट, कीप एक्सरसाइजिंग, स्टे एट होम। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा, टेक केयर।